कमाल करते हो तुम। सुबह से तुम्हारा कोई आता पता ही नहीं है। डामु काका ने अभी बताया कि तुम टेरेस पे हो। मैसेज मिला था ना तुम्हें मेरा, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? और ठीक है तुम तो फिर भी आ गए, लेकिन चिराग से मेरी अभी तक नहीं बात हुई है। नहीं कहा है वो, कहीं उसे कुछ मुझे कि वो ठीक हो। रणवीर मुझे हो क्या गया? पहले तो ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता था। तुम्हें पता है अभी मैंने न्यूज में देखा कि एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया और उसके ऑन द स्पॉट। मुझे बहुत डर लग रहा है रणवीर। तुम्हें पता है लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। 4 घंटे से उससे बात नहीं हुई है और मन में इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे कि रणवीर वो ठीक होगा ना? पूरा रणवीर क्या हुआ? रणवीर तुम रो क्यों रहे हो? बोलो ना क्या हुआ? चिराग को तो कुछ? रणवीर चिराग ठीक है ना? रणवीर बोलो। हाँ वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। थैंक गॉड। तुम्हें इसे रोते हुआ देख मुझे लगा। लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? बाहर ने डांटा। रणवीर अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। मैं चिराग से कहूंगी वो हमारी डेफिनेटली हेल्प करेगा। बोलो ना रणवीर। शानी मुझे प्यार हो गया। तेरी तो अच्छी बात है ना, इसमें रोने वाली क्या बात है? जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके साथ मैंने बहुत गलत किया और मेरी वजह से उसको बहुत तकलीफ पहुंचने वाली है। रणवीर तुम कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। हम दोनों आउटसाइडर्स ही नहीं, बिल्कुल एक जैसे। हम जैसे लोगों को प्यार आसानी से नहीं होता, लेकिन जब होता है ना पूरी जिंदगी उसी एक इंसान के साथ बिताने वाला होता है, फॉरएवर वाला होता है। आई एम श्योर कि हम जैसे लोग उसे हर्ट कर ही नहीं सकते जिससे हम प्यार करते हैं। आई एम श्योर वो लड़की बहुत लकी होगी जिससे तुम प्यार करते हो, क्योंकि तुम उसे किसी मुसीबत में पड़ने नहीं दोगे। तकलीफ तो दूर की बात है, तुम उसके फेस पे हमेशा स्माइल देखना चाहोगे, जिसे मैं चिराग के फेस पे देखना चाहती हूँ। You know, मुझे तो पता ही नहीं था कि प्यार होता क्या है, पर अब मैं प्यार को महसूस कर सकती हूँ। और लाइफ में अगर अच्छे इंसान से प्यार हो जाए ना तो उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। हाँ, अगर किसी बुरे इंसान से प्यार हो जाए तो पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। तुमने मुझे बताया कि चिराग कितना अच्छा इंसान है। आई लव अ गुड मैन। आई एम सो 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 हैप्पी। एक बार मेरी इशानी से शादी हो जाए और हमें खूब सारा पैसा मिल जाए ना, तो उसके बाप के पैसे से हम दोनों, सॉरी हम तीनों सुकून की जिंदगी जिएंगे। और वो इशानी, उसको तो मैं अपनी लाइफ से दूध में से मक्खी की तरह निकाल दूंगा। पता है जितनी लकी मैं हूं ना उतनी लकी वो लड़की भी होगी जिसे तुम प्यार करते हो। तुम उसका वैसा ही ख्याल रखोगे जैसे चिराग मेरा रखता है। सॉरी शानी, वो मैं तुम्हारा फोन नहीं ले सका। ए, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्या दिख रही हो? सॉरी वो मैं तुम्हारा फोन। इट्स ओके, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? सॉरी तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? आई मीन दोनों बेस्ट बडीज की कोई प्राइवेट बात है? वो प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा वो तुम आ गए, तुम इसे समझाओ ना। इसी पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि जिससे ये प्यार करता है उसे वो हर्ट कर सकता है। व्हाट? रणवीर किसी को हर्ट करेगा? इम्पॉसिबल। देखा, मैं भी यही कह रही थी। कम ऑन चैंप, तू टेंशन मत ले। तेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना सब सॉल्व हो जाएगी। मैं और शानी मिलकर तुम्हारी हेल्प करेंगे। आफ्टर ऑल तुमने भी तो हमारी कितनी हेल्प की है हमें पास लाने में, राइट? देखा रणवीर, मैं बोल रही थी ना कि चिराग तुम्हारी हेल्प करेगा। इशानी यहाँ आना जरा। हाय वो माँ बता रही थी कि हम लोग तुम्हारे घर आ रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के लिए। मैं चाहती थी कि हम दोनों मिलकर कृष्ण जी को झूला झुलाएं। वो लोग कहते हैं कि जो कपल उनको मिलकर झूला झुलाते हैं ना, उनका प्यार और भी मजबूत हो जाता है। हमारा प्यार ऑलरेडी मजबूत हो चुका है। एनीवेज, हमको किसी की बुरी नजर ना लगे ना, इसलिए तुम जो कह रही हो ना वो हम करेंगे। थैंक यू। इशानी की डोली उठेगी ना, उसकी माँ भी उतना नहीं रोएगी जितना कि तुम रोओगे। बहुत कोशिश की ना तुमने, पर क्या करे, तुम्हारी भी हालत ना अपनी इंडियन क्रिकेट टीम जैसी है। बहुत समझ ही नहीं आ रही कि आ कहाँ से रही है, जहाँ खा रही है। हार मान लिया, हिम्मत अभी बरकरार है बरखुरदार की। अगर याद ना हो ना तो याद दिलाता हूँ, हमारा अब तक का स्कोर है क्या था? हाँ, 2-0। तू 2 बार कोशिश कर चुका है और मात खा चुका है। वैसे सोचा जाए तो यू ऑलरेडी लॉस्ट है। वैसे 3 पॉइंट पे तो गेम खत्म हो जाती है। मैं चाहे जितना भी बुरा इंसान, इशानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस हो। वो उसकी फैमिली तो यही मानते हैं। वैसे तुमने ना मेरी बहुत हेल्प की है, और तुम्हें एक एडवाइस देनी तो बनती है, वो भी मुफ्त किया। एडवाइस ये है, जिनके पास पैर फैलाने जितनी चादर भी ना हो, उनको पर फैलाने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। वैसे इस खेल में ना मजा बहुत आ रहा है। ट्रस्ट मी, आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। पर अफसोस है, ये खेल बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ये खेल तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए शानी की जिंदगी का सवाल है, जिसे मैं गलत हाथों में जाने नहीं दूंगा। जब तुम दोनों को पास आना था ना, मैं नहीं जानता था कैसे लाऊंगा, लेकिन लाया। और आज जब तुम्हें उससे दूर करना है, तब भी नहीं जानता कि कैसे करूँगा, लेकिन क्या गाड़ी के नीचे टांग कुचल जाए, फिर भी कुछ कुत्ते ना गाड़ी के पीछे दौड़ना नहीं छोड़ते। जहां तक तुम्हारी गंदी सोच जाती है ना, वहां मेरी कोशिश पहुंचेगी। माना भले जिंदगी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन आज एक मकसद दे दिया है, इशानी की जिंदगी को बचाने का मकसद, जो कि मैं हर हाल में पूरा करूंगा। यार तुम गरीबों की ना यही प्रॉब्लम है। घर में खाने के लिए रोटी नहीं होती, पर सिनेमा देखना है, वो भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और उसके बाद अपने आप को हीरो समझते हो। बाय गुड, समझो अपने आप को हीरो। ऑल द बेस्ट। अच्छा है, मेरा हाथ गंदा होने से बचा लिया, परेशानी को नहीं बचा पाएगा तू। को इस शैतान से बचाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए तू रुकना चाहता था यहाँ? हा? यही है वो गलती जिसे तू सुधारना चाहता था। मैंने सब सुन लिया है रणवीर, जो चिराग ने तुझसे कहा। मैं वो बस तू क्या चाहता क्या है रणवीर? हाँ, तुझे अपने माँ बाप से ज्यादा उस इशानी की फिक्र है। भले गिनती में कम है, लेकिन मेरे 9 महीने तेरी उस 14 साल की दोस्ती से बहुत बड़े रणवीर, बहुत बड़े। लेकिन तुझे अपने प्यार के आगे कुछ नजर ही नहीं आता। अपनी माँ भी नहीं। अरे किस काम का ये प्यार, किस काम का? तुम उसकी आंखों में खुशी ढूंढता जाए और वो तेरी आंखों में आंसू देती जाए। आग लगे ऐसे प्यार को, जिसके लिए तो अपने साथ साथ अपने माँ बाप की भी बलि चढ़ा है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर सब इशानी के लिए नहीं रुका, मैं अपने मोटा बाबूजी के लिए भी यहाँ पे रुका। इतने सालों से इस घर में इशानी के साथ, इन लोगों के साथ रहा हूँ, इन लोगों के लिए भी मेरा कुछ फर्ज बनता है। माँ, इशानी मेरी दोस्त हो या ना हो, अगर कोई लड़की मेरी वजह से मुसीबत में हो तो क्या मुझे उसे नहीं बचाना चाहिए? ये सीख तो तूने मुझे नहीं दी ना माँ। भले मेरी किस्मत बुरी हो लेकिन परवरिश तो तूने अच्छी ही दी है ना। पर कैसे छोड़ दूं उसे अकेला माँ? और कब तक साथ देगा तू उसका? कब तक? तब तक इशानी चिराग का साथ नहीं छोड़ देती। अरे अच्छी लड़की है माँ वो, और मैंने उसका रिश्ता एक बुरे राक्षस के साथ जोड़ दिया। हो गया मां, उस चिराग के लिए मैंने इशानी के दिल के दरवाजे खोले। मुझे लगा था कि अगर इशानी मेरी किस्मत में नहीं तो कम से कम उसे तो एक अच्छा लड़का मिले। महान बनने चला तुमने, देखो कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। एक गलत इंसान से प्यार करने का मतलब क्या होता है मुझे ये नहीं पता है। मुझे नहीं पता, मुझसे ज्यादा और किसे पता होगा हा? जिसका बेटा एक गलत लड़की से प्यार कर बैठा। मैं तुझे अगर उसे एक दिन प्यार और दोस्ती में किसी एक को चुनना पड़ा ना, तो प्यार को चुनेगी, तुझे नहीं।